हाँ जी, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, नोटिफिकेशन नंबर 52 आई है। नोटिफिकेशन नंबर 52 आई है 26 अक्टूबर 2023 को, जिसने कि जीएसटी के रूल्स को चेंज कर दिया है। इसे हम बोलेंगे कि भाई अब फोर्थ अमेंडमेंट रूल्स 2023 आ गए हैं, मतलब 2023 में चौथी बार जीएसटी के रूल्स को चेंज कर दिया गया है। कौन कौन से रूल्स को चेंज करा है पूरा डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अभी कल की तारीख में ही 3 सर्कुलर आए हैं, ठीक है। 3 सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 202, 203 और 204। ये 3 सर्कुलर क्या कहते हैं, एक तो बात करता है डायरेक्टर गारंटी के केस में, जिसके अंदर अभी चेंजेज आया है। एक बात करता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में क्लैरिफिकेशन आई है। एक आया है प्लेस ऑफ सप्लाई के केस में। तो ये 3 सर्कुलर है और कुछ रूल्स चेंज हुए हैं जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। सर, आवाज़ मंदी क्यों आ रही है भाई? दिल्ली के अंदर ना पोल्यूशन अपने चरम सीमा पर है, तो पोल्यूशन से थोड़ा सा बच के रहिए। दिल्ली के पोल्यूशन ने लोगों की आंखों में जलन कर दी है, और जिन लोगों को सांस में हल्की सी भी दिक्कत होती है, उन्हें सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है, उन्हें खांसी की कफ की बड़ी शिकायत हो रही है। तो भाई अगर कोई बाहर से है तो दिल्ली मत आना, दिल्ली NCR में इस समय बड़ा पोल्यूशन है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं अब अपने रूल्स की, ठीक है। तो रूल्स क्या कहते हैं, पहली बात तो क्या रूल चेंज हुआ, तो पहले इस चीज़ को समझिएगा। पहला रूल नंबर जो चेंज हुआ है वो है रूल 28। सर, ये रूल 28 किस चीज़ की बात करता था? रूल 28 अगर आप ओरिजिनल लॉ पढ़ोगे, ओरिजिनल रूल्स पढ़ोगे, तो वहाँ पर रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन की बात करता था कि उसके केस में वैल्यूएशन कैसे होगी। हमारे जो रूल 28 है वो वैल्यूएशन से बात करता है। तो तुम्हें अभी पता होगा कि कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट्स ने ये बोला है कि अगर कोई भी कॉरपोरेट गारंटी है, अगर कोई भी क्या है, कॉरपोरेट गारंटी है। कॉरपोरेट गारंटी का मतलब क्या है कि लेट सपोज करो कि हमारी एक कंपनी है फिनटेक सॉल्यूशन, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है एडुहर्ट, ठीक है ना। अब एडुहर्ट कंपनी बैंक से लोन लेने जाती है, और जब ये बैंक से लोन लेने जाती है तो ये फिनटेक से कहती है कि भाई आप ना मुझे कॉरपोरेट गारंटी दे दो। तो इस वाले केस में कई बार ऐसा होता था कि भाई ये लोग ना आपस में कोई कंसिड्रेशन चार्ज नहीं करते थे, तो इस पर GST नहीं लगाते थे ये लोग। लेकिन गवर्नमेंट ने बड़ा क्लैरिफाई कर दिया, कह रहा भाई अगर आप पैसे लो या मत लो हमें कोई मतलब नहीं, अगर कोई भी व्यक्ति जो कि रिलेटेड पर्सन है, जो कि क्या है, रिलेटेड पर्सन है, मतलब किसी ने गारंटी दी, तो ये भाई एक सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई बाय सप्लायर टू ए रिसिपिएंट हु इज़ रिलेटेड पर्सन। तो अगर रिलेटेड पर्सन है तभी रूल 28 लगेगा, बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग कॉरपोरेट गारंटी। कॉरपोरेट गारंटी देकर एक सर्विस दी, ठीक है ना, उस केस में रिलेटेड पर्सन है तो ये वाला रूल लगेगा। टू एनी बैंकिंग कंपनी, किसे दी कॉरपोरेट गारंटी, भाई बैंक वगैरह से लोन ले रहे तो बैंक वगैरह को ही देंगे या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को देंगे। किसके बिहाफ पर दी, रिसिपिएंट के। तो उन्होंने कहा भाई आपने कंसिडरेशन चार्ज करा हो ना कराओ हमें मतलब नहीं, हम तो जितने की भी आपने कॉरपोरेट गारंटी ऑफर करी है उसका 1% हम उसका 1% मान लेंगे कि भाई ये इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है। मतलब कि अगर आपने 10 करोड़ की कॉरपोरेट गारंटी दी और आपने पैसे लिए नहीं लिए, तो हम 10 लाख रुपये इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और मान लो कॉरपोरेट गारंटी दी आपने 10 करोड़ की, तो उस केस में अगर आपको, ठीक है ना, अगर आपको बदले में 30 लाख रुपये मिले, तो फिर यहाँ पर जो हम वैल्यू मानेंगे वो हम वैल्यू 30 लाख रुपये मानेंगे, तब 10 लाख नहीं मानेंगे। तो 10 लाख तो मिनिमम है, तो मतलब 1% मिनिमम है, और सच गारंटी ऑफर्ड ऑन द एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, तो दोनों में जो भी हायर होगा वो मानेंगे। तो भाई अगर कोई व्यक्ति कॉरपोरेट गारंटी दे रहा है रिलेटेड पर्सन को, तो ज़रा एक बार इस वाले अब रूल को चेक कर लेना। अब इसके बाद क्या है, रूल 142। तो रूल 142 तुम्हें अभी पता ही होगा, इतने जितने भी सारे नोटिसेज वगैरह आते हैं सभी रूल 142 में ही आते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक सब रूल 3 है, उसमें एक वर्ड ऐड कर दिया, ठीक है। होता क्या था कि ना यहाँ पर जो GST ऑफिसर होता था, GST जो ऑफिसर्स होते थे, आपको कई बार क्या करते थे, DRC 01A दे देते थे, ठीक है ना। तो आप क्या करते थे कि आप ना उसकी पेमेंट कर देते थे, आपने क्या कर दिया, उसकी पेमेंट कर दी टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की, ठीक है ना, ये पेमेंट कर दिया आपने। तो जब आप पेमेंट कर देते तो ये कह दिया जाता था कि भाई अब प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगी, आपने पेमेंट कर दी। तो यहाँ पर ऑफिसर क्या था, DRC 05 इशू कर देता था, DRC 05 इशू कर देता था। 3 फॉर्म होते, DRC 03 में आप पेमेंट करते हो, DRC 04 में एक्नोलिजमेंट होती है, तो DRC 05 में,
ठीक है, ऑफिसर ऑर्डर पास कर देता था कि भाई चलो अब तुम पे कोई डिमांड वगैरह नहीं है। इन्होंने कहा भाई साहब कैसे ऐसे कैसे डिमांड ऑर्डर आप इशू कर दोगे, डिमांड ऑर्डर जो हमारा है वो तो मेनली जो ऑर्डर है हमारा वो तो DRC 07 का है, तो DRC 05 को ना, DRC 05 को अब हम ऑर्डर नहीं बोलेंगे, DRC 05 को अब हम ऑर्डर नहीं बोलेंगे। तो मैंने कहा क्या बोलोगे भाई, तो उन्होंने कहा भाई साहब आपने क्या करा, पेमेंट कर दी सारी चीज़ें ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको DRC 05 कर रहे हैं, तो ये एक इंटीमेशन है, ये क्या है एक इंटीमेशन। तो इन्होंने क्या करा, जहाँ पर वो वर्ड ऑर्डर लिखा हुआ था उस वर्ड ऑर्डर को हटाकर यहाँ पर इन्होंने इंटीमेशन कर दिया। तो मेरा मानना तो यही है कि ये उसे ऑर्डर की कैटेगरी से हटाकर, ऑर्डर की कैटेगरी से हटाकर उसका वेट कम करके इंटीमेशन डालना चाहते हैं, ये पर्पज की वजह से उन्होंने यहाँ पर इसे ऑर्डर की जगह इंटीमेशन वर्ड यूज़ करा। आपका क्या व्यू पॉइंट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ज़रा इस चीज़ को समझना कि जब आपकी कोई भी प्रॉपर्टी प्रोविजनल अटैच हो जाती थी तो वो एक साल के अंदर ठीक है ना, एक साल के अंदर अंदर ठीक है ना, इन्होंने बोला भाई तुम्हें कोई एक्शन लेना है तो ठीक है, नहीं तो एक साल के अंदर अंदर उसे रिलीज करो। तो पहले जो रिलीज होती थी वो कमिश्नर के कहने से होती थी कि अगर कमिश्नर कहते, अब इन्होंने रूल में लिख दिया, कौन से रूल में लिख दिया, रूल नंबर 159 में लिख दिया कि भाई जैसे हम ये कहते थे ना कि ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट है ये रिलीज़ कर दी जाएगी, ठीक है, कमिश्नर के कहने पे इन्होंने कहा अगर एक साल पास हो गया, जैसे ही एक साल पास हो गया ठीक है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर शैल बी इंसर्टेड। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भाई इस चीज़ को आप समझो कि अगर आपकी कोई भी प्रोविजनली प्रॉपर्टी अटैच हो गई है तो एक साल के बाद आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, वो रिलीज़ करनी पड़ेगी, ये वाली बात अब रूल 159 के अंदर ही लिख दिया। अगर आपको मैं बताऊँ, जब आप रजिस्ट्रेशन करते थे तो रजिस्ट्रेशन करने में ना बड़ी दिक्कत आती थी किन लोगों को, जो 1 पर्सन कंपनी होती है, जैसे मान लो भाई मैं अकेला, मेरे साथ कोई है नहीं लेकिन बनानी कंपनी है, तो मैंने बना दी KJ क्लासेस OPC प्राइवेट लिमिटेड, मैंने एक कंपनी बना दी। अब जब मैं इसका GST रजिस्ट्रेशन लेने जाता था वहाँ पर नंबर ही नहीं होता था, वहाँ पर 1 पर्सन कंपनी का ऑप्शन ही नहीं होता था, ये बड़ी दिक्कत आती थी। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर जो पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर एक नया ऑप्शन इंसर्ट कर दिया कि अगर आप 1 पर्सन कंपनी बना रहे हो तो वहाँ पर जाकर बना लेना, ठीक है ना। इसके साथ इन द सैड रूल फॉर्म GST REG 08 फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अब इसमें क्या है कि जो इनका जो फॉर्म है REG 08 किसके लिए, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन TDS और TCS, तो इनके इस फॉर्म के अंदर भी इन्होंने चेंज कर दिया है, इस फॉर्म के अंदर भी चेंज कर दिया। तो अगर आपका कोई क्लाइंट है जो TDS TCS वाला है तो आप इस चीज़ को देख लेना, अदरवाइज आपके लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये रूल्स के अंदर ना ये वाले चेंजेस हुए हैं, रूल्स के अंदर ये वाले चेंजेस हुए हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप इन्हें देख लेना, अगर आपको अभी तक ये कॉपी नहीं मिली है तो साइट पर जाकर निकाल लेना क्या चेंजेस हुए। हो सकता है इन्होंने ना जो ये लेट फीस थी पहले यहाँ पर दिखाई नहीं देती थी, अब यहाँ पर GSTR 8 में अगर आप लेट फाइल करोगे, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर एक तो इन्होंने इस फॉर्म में चेंज कर दिया, कौन से फॉर्म में चेंज कर दिया, जो आपका यहाँ पर इसका फॉर्म था REG 08 रजिस्ट्रेशन का, साथ के साथ इनका जो रिटर्न का फॉर्म होता था ना GSTR 8, ठीक है ना, कन्फ्यूज में तो न जाना, REG 08 रजिस्ट्रेशन के लिए और रिटर्न के लिए GSTR 8। तो रिटर्न्स में इन्होंने लेट फीस का प्रोविज़न पहले नहीं था लेकिन अब इन्होंने फॉर्म के अंदर ही लेट फीस डाल दिया। तो अगर किसी केस में ये अपने रिटर्न्स लेट वेट फाइल करते हैं तो इस वाले केस में इनको लेट फीस भी देनी पड़ेगी। सर और क्या चेंज हुआ है, और क्या है ना, GST प्रैक्टिशनर में चेंज हुआ है, पहले यहाँ पर लिखा होता था चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना, जिसके पास COP, अब ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, प्रैक्टिशनर में भी चेंज करा है। तो आप ना अपनी तैयारी शुरू कर दो, GST कोर्स पढ़ते रहो, हमारा कोर्स अगर आपको चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें फ्री कोर्स भी मिलेगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो पेड कोर्स भी। अगर आप हमारा ये कोर्स कर लेते हो तो आप ये GST प्रैक्टिशनर का जो एग्ज़ाम है वो ईजिली दे सकते हो, ठीक है ना जी, तो वो ईजिली दे सकते हो। तो यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन में भी चेंज करा है, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो, आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन तैयारी कर लेना, पता चले उसके अंदर फेल हो जाओ, ठीक है। इसी तरीके से जो DRC 022 है, जो मैंने आपको बताया था ना, ठीक है ना, कि एक साल के अंदर अंदर, ठीक है ना, एक साल के अंदर अंदर आपको ये रिलीज करनी पड़ेगी, तो उसके लिए इसके अंदर भी चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो ये मेजरली चेंजेस थे
जो कि हमारी जो मंथ की मैगजीन आएगी पूरा एनालाइज करके, ये तो मैंने आपको बता दिया अभी 5-7 मिनट में, लेकिन पूरा एनालाइजिस करके आपको दे दूंगा। अच्छा, ये वीडियो लंबी ना हो जाए तो ऐसा करते हैं, सर्कुलर को ना दूसरी वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो इन तीनों सर्कुलर को एक बार पढ़ के रखना, जिससे कि हम इन्हें डिस्कस कर लें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, थोड़ा बहुत आइडिया इसका लग गया होगा। डिटेल डिस्कशन चाहिए तो आप हमारी मैगजीन ले लो या हमारा कोर्स ले लो, उसमें आपको इसका मिल जाएगा। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।